नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजारों की चाल के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और बाजारों की चाल में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं कमोडिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र में कृषि फसलों का वायदा बाजार कैसा कारोबार करता नजर आ रहा है, किस कृषि फसल के अंदर कितनी मंदी तेजी के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं हम कृषि फसल के बाजार में कैसा सीड से। देख रहे हैं यहाँ पे कैसा सीड का दिसंबर वायदा 6,364 पर कारोबार करता नजर आ रहा है 1% की तेजी के साथ। आज देख रहे हैं कि कैसा सीड का वायदा बाजार एक बार फिर से अपने जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था उसका 6,500 का, वहां से अब कहीं ना कहीं फिसलता नजर आया है और 6,300 के घरों में कारोबार करता नजर आ रहा है। बात करें यहाँ से अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल का दिसंबर वायदा देख रहे हैं 2,465 पर कारोबार करता नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं कि कैसा सीड और बिनौला खल दोनों में ही एक ठीक ठाक तेजी देखने को मिली थी, वहीं अब देख रहे हैं कि अपने इंपॉर्टेंट लेवल से कहीं ना कहीं थोड़े नीचे कारोबार करते नजर आ रहे हैं। तो आज शाम के कारोबारी सत्र में किस कृषि फसल में क्या करके चलना सही रहेगा, आइए जान लेते हैं अपने एक्सपर्ट से। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजय जी। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसीवी पर। नमस्कार अमित जी। अमित जी, सबसे पहले आपसे कैसे के ऊपर बात करना चाहूंगा। हमने कैसे सीड को लगातार 6,500 के ऊपर कारोबार करते देखा है, हालांकि कीमतें 6,600 के ऊपर का ब्रेकआउट नहीं दे पाई थी, लेकिन एक कंसोलिडेशन में भी 6,500 पर टिकी रही थी। अब देख रहे हैं कि कैसे सीड का वायदा बाजार 6,300 के घरों में कारोबार करता नजर आ रहा है, आपको क्या लगता है, क्या कैसे में अभी जो गिरावट है थोड़ी गहराने वाली है या फिर यहाँ से एक बार फिर से बाइंग निकलेगी? जी, मेरा मानना है कि ये जो गिरावट है उसका फायदा लिया जा सकता है बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह। 6,050 का एक पोजीशन सपोर्ट है, जब तक उसके ऊपर प्राइसेस टिकी रहेंगी तब तक जो रुख है या ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ रहेगा। 6,250 के करीब बाइंग इनिशिएट की जा सकती है, अपसाइड में इमीडिएट वे में 6,550 से 6,600 का ही लक्ष्य लिया जा सकता है। अगर यदि उसके ऊपर भी प्राइसेस चलने लगती है तो 6,800 तक के लेवल भी हमें एक से दो हफ्ते में देखने मिल सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो इस गिरावट का एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह पोजीशन जो है बनाया जा सकता है जी। तो यानी कि इस गिरावट में डरना नहीं चाहिए, गिरावट में खरीदारी की एक अपॉर्चुनिटी को समझ के निचले स्तर पर खरीदारी करके चलना चाहिए। अमित जी, यहाँ से बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में भी हमने कैसे सीड की तरह ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट खोता हुआ देखा है, 2,500 पर कारोबार करता नजर आ रहा था, वहीं अब 2,400 के लेवल्स पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से देखने को मिल रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या ये पूरा कारोबारी सप्ताह बिनौला खल के लिए ऐसा ही रहने वाला है और बिनौला खल में एक बार फिर से तेजी कब तक देखने को मिल पाएगी? जी, मेरा मानना है कि तेजी एग्जैक्टली तो 2,700 के ऊपर ही देखने मिलेगी जब प्राइसेस 2,700 के ऊपर सस्टेन हो जाए। शॉर्ट टर्म बेसिस 2,300 से 2,350 के बीच अच्छे सपोर्ट्स हैं, तो मेरा मानना है कि बाजार वो सपोर्ट जो है वो ले लेगा और अपसाइड में शॉर्ट टर्म बेसिस इमीडिएट तौर पर 2,580 का टारगेट लिया जा सकता है। अगर उसके ऊपर चलती है प्राइसेस तो 2,650 तक भी एक्सटेंड होगी, तो लंबी तेजी नहीं लेकिन एक इमीडिएट शॉर्ट कवरिंग मूव जिसे हम कहते हैं वो देखने मिल सकता है। जी, ये समय जी नजर डाले अगर मसाला कॉम्प्लेक्स की तरफ, तो देख रहे हैं धनी का दिसंबर वायदा 8,700 के ऊपर निकला है, 2.25% की तेजी है। जीरे का दिसंबर वायदा भी आज 16,360 पर कारोबार कर रहा है, इसमें भी 1.5% की तेजी दर्ज की जा रही है और हल्दी का दिसंबर वायदा 7,450 पर है। अमित जी, देख रहे हैं कि आपने जो धनिया का लेवल दिया था कुछ समय पहले कि धनिया की कीमतों में 8,600 से 8,700 के एक बार फिर से लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, आज आपके वो टारगेट्स अचीव होते नजर आ गए हैं, ऐसे में अब आपको क्या लगता है, क्या धनिया बहुत ही जल्द 9,000 का भी लेवल पार कर पाएगा? ठीक, मेरा मानना है कि धनिया में 9,150 तक के स्तर अभी नेक्स्ट पोजिशनल टारगेट की तरह लेके चलना चाहिए, क्योंकि इमीडिएट तौर पे जो 8,700 का रास्ता हुआ हासिल हो चुका है, तो यहाँ से भी और तेजी की संभावना बन रही है। इमीडिएट तौर पे 8,450 का एक पोजिशनल सपोर्ट है, जब तक वो होल्ड कर रहा है तब तक 9,100 तक की रैली है वो एक्सटेंड होने की अच्छी संभावना बनेगी। जी अमित जी, इसे बात करेंगे जीरे की, तो जीरे में भी देख रहे हैं कि आज अच्छे खासे लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, 16,300 के ऊपर ट्रेड करता नजर आ रहा है, आपको क्या लगता है, क्या 2021 के एंड तक जीरे में 17,000 के भी लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? जी, ऐसा पॉसिबिलिटी है, हमने लगभग 14 से लगातार एक तेजी का रुख आते हुए देखा है और 16,000 के ऊपर दाम चले गए हैं, तो
पिछले 2 महीनों में लगभग 11-12% की तेजी आई है और ऐसा लगता है तेजी एक्शन होगी। जो मांग है अभी भी इन स्तरों पर भी बरकरार है, तो मुझे लगता है कि अगर हम 1 महीने का और व्यू लें तो 17,200 तक के लेवल शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने मिल सकता है। जी, ये सर मैं जी बात करें अगर हल्दी की, तो हल्दी का दिसंबर वादा तो देख रहे हैं कि हम 7,400 के घरों में कारोबार कर रहे हैं, लेकिन अप्रैल 2022 का वादा 8,000 के घरों में है। आपको क्या लगता है ये जो डिफरेंस आ रहा है, तो क्या यही माना जाए कि साल 2022 की शुरुआत में हल्दी एक बार फिर से 8,000 के ऊपर कारोबार करती नजर आ पाएगी? जी, मुझे लगता है कि हल्दी में भी दोबारा तेजी आने की संभावना है, क्योंकि लगभग 5 से 6 महीने लगातार एक लोअर रेंज में ट्रेड करने के बाद हमने हल्दी कायदा में दोबारा तेजी के आसार देखे हैं। और जिस तरह आपने बताया कि जिसे हम एक स्टीप कॉन्ट्रैंगो कहते हैं या सीधा बदला है, वो काफी स्टीप है, तो तब से बाजार जो है तेजी की तरफ ही इशारा कर रहा है आगे आने वाले समय में भी। और मुझे लगता है कि 8,000 के स्तर हल्दी दोबारा रिटर्न करने में कामयाब हो जाएगा। तो गन्ने में और जीरे में और हल्दी में, तीनों ही हमें मसाला कॉम्प्लेक्स में तीनों में ही तेजी के आधार बने हुए हैं। जी, ये समय जी बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो आज हमने कल की गिरावट के बाद ग्वार में एक अच्छी रैली फिर से निकलते देखी है। ग्वार गम का दिसंबर वादा देख रहे हैं 12,260 पर कारोबार कर रहा है, 4% का ऊपरी सर्किट है। वहीं ग्वार सीड का दिसंबर वादा 6,692 पर है 2.5% की तेजी के साथ। अमित जी, आपको क्या लगता है जिस हिसाब से ग्वार के फंडामेंटल्स हैं और टेक्निकल चार्ट जो भी कहते हैं उनके मद्देनज़र ग्वार के अंदर एक दिन गिरावट तो दूसरे दिन तेजी, ये जो बनते नजर आ रहे हैं, वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, क्या ये मंदी तेजी जस्टिफाइड है? देखिए, जो हद से ज्यादा जो वॉलेटिलिटी होती है तो जस्टिफाइड नहीं होती, लेकिन पॉइंट ये है यहाँ पर कि जो हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किया था कि 6,200 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट हमें सेल साइड में देखने मिलेंगे, वहां से एक रिबाउंड आ सकता है, वो हमने ग्वार सीड में देखा। सिमिलरली 11,700 से 800 तक की हमारी बात हुई थी ग्वार गम की, तो वो भी हमने देखा और उसके बाद बराबर से वहीं से बाजार पलटा भी है। तो मेरे हिसाब से अब तक जो है ओवरऑल सिंक में है, जो व्यू है उसके हिसाब से चल रहा है। हालांकि हाँ, थोड़ी बहुत उठा पटक जो है वो लिमिट में हो तो बेहतर रहेगा निवेशकों के लिए और ट्रेडर्स के लिए, लेकिन अब मुझे लगता है कि अगर ये सपोर्ट ले लिए गए हैं तो एक ट्रेंडी मूव देखने मिल सकता है, जहां पर हमें दोबारा ग्वार गम में 12,600 से 700 तक के स्तर शॉर्ट टर्म में देखने मिलेंगे और वहीं पर ग्वार सीड में 6,650 तक के स्तर दोबारा देखने मिलेंगे। जी, ये समय जी बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन का दिसंबर वादा देख रहे हम 6,130 पर है और 6,650 का ही लगा चुका है, 3.5% की तेजी है। और बहुत सारे हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हैं जिनका लगातार सोयाबीन को लेकर सवाल आ रहा है कि सोयाबीन में अब ये जो तेजी बनी है ये कब तक कायम रह सकती है और सोयाबीन में अभी क्या करके चलना सही रहेगा? जी देखिए, 5,700 के ऊपर निकलने के बाद हमने देखा है कि अच्छी खासी या बड़ी तेजी एक देखने मिली है, जहाँ लगातार पिछले 2 सेशन में ही लगभग 4 से 5% की तेजी हमने देखी है। मुझे लगता है कि ये तेजी बरकरार रहेगी। काफी समय के कंसोलिडेशन के बाद जहाँ पर दाम जो थे 5,200 के आसपास भी फिसल गए थे, उसके बाद हमने एक तेजी का रुख देखा है और ऐसा लगता है ये सस्टेन होकर प्राइसेस जो है 6,500 तक भी एक्सटेंड करेंगे अपने गेम जो है, तो एटलीस्ट आने वाले 2 से 3 सप्ताह के लिए तो तेजी की उम्मीद बनी हुई है। जी अमित जी, हम देख रहे हैं कि सोयाबीन की कीमतों में तेजी तो निकल के सामने आई है, लेकिन हमने लास्ट टाइम देखा था कि जब सोयाबीन की कीमतों में 11,000 तक के लेवल्स देखने को मिले थे, तब सरकार ने सोयाबीन ऑयल केक यानी सोया खली के इंपोर्ट का फैसला लिया था, क्योंकि जो पोल्ट्री इंडस्ट्री वो काफ़ी नुकसान झेल रही थी। अब कुछ ऐसी ही खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि पोल्ट्री इंडस्ट्री एक बार फिर से खतरे की ओर है, क्योंकि सोयाबीन की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और जो पोल्ट्री एसोसिएशन है उन्होंने सरकार से गुहार भी लगाई है, मांग भी की है कि सोयाबीन का वायदा बंद किया जाना चाहिए और जो बची कुछ ही सोयाबीन की जो खली है उसका आयात मार्च 2022 के अंत तक कर देना चाहिए। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या सरकार एक बार फिर से सोयाबीन को लेकर कोई फैसला ले सकती है? जी देखिए, वायदा बाजार के होते हुए भी हमने दाम जो थे वो 11,000 से 5,000 तक जाते हुए देखे थे, तो मेरा मानना है कि वायदा बाजार में गिरावट भी आती है और सिर्फ तेजी ही आए उधर भी, वो डिपेंड करता है अंडरलाइन फंडामेंटल्स पे यानी डिमांड और सप्लाई पे। तो
वायदा बाजार के ट्रेड्स को बैन करने से मुझे नहीं लगता कि जो अंडरलाइन फंडामेंटल है वो चेंज हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कुछ महीनों की गिरावट के बाद हमने रोजाना सोयाबीन को उभरते हुए देखा है निश्चित स्तरों से, तो वो भी एक अंडरलाइन चीज कहीं के सोयाबीन को सपोर्ट कर रही है। तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट शॉर्ट टर्म बेसिस तो सोयाबीन के दाम और बढ़ेंगे। और हाँ, जो आयात की बात है, हो सकता है कि सरकार उस चीज पर एक फैसला ले, लेकिन बैनिंग की पॉसिबिलिटी थोड़ा मुझे कम दिखाई दे रही है एज ऑफ नाउ। जी अमित जी, कुछ दर्शक जुड़े हुए हमारे साथ जिनका सवाल लगातार कॉटन को लेकर आ रहा है। हम देख रहे हैं कि फिजिकल मार्केट में कॉटन की जो कीमतें हैं काफी अच्छी खासी बनी हुई है, डिमांड और सप्लाई दोनों में थोड़ा डिफरेंस देखने को मिले, लेकिन डिमांड ज़्यादा देखने को मिल रही है, और उधर से जो चाइना है वो भी अपनी कॉटन की सेलिंग कर रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है, कॉटन का बाजार कहाँ तक जाकर रुक सकता है? जी बिल्कुल, देखिए चाइना में एक तरफ से जो कॉस्ट है या इन्फ्लेशन है उसको रिड्यूस करने की मुहिम फिलहाल चल रही है पिछले एक डेढ़ महीनों से, और मुझे लगता है कि कुछ और समय तक वो कॉस्ट कंट्रोल में लगे रहेंगे। तो इसके चलते हम देखेंगे कि काफी सारे मेटल्स या फिर इवन कॉटन फॉर दैट मैटर इस तरह से हल्के से दबाव में रह सकते हैं, लेकिन ये शॉर्ट टर्म फिनोमेना है, मुझे नहीं लगता कि लॉन्गर टर्म बेस पे ज्यादा प्राइस नीचे सस्टेन करेंगी। शॉर्ट टर्म में ये जरूर हो सकता है कि हम 30,200 से 30,300 यानी 1,000 रुपए की और गिरावट देख पाए, जिसके बाद मुझे लगता है कि दोबारा कॉटन में एक तेजी का रुख बनेगा और हम अपसाइड में दोबारा काफी जल्द यानी 1 से 1.5 महीने के अंदर हो सकता है कि 34,000 के स्तर तक दोबारा रिगेन कर लेंगे। जी अमित जी, यहाँ से बात करें अगर मस्टर्ड सीड की, तो मस्टर्ड सीड पर हमने सरकार का फैसला आते हुए देखा है, सरसों को बैन होते हुए देखा है, लेकिन कुछ दर्शक हैं लगातार जो मस्टर्ड सीड को लेकर सवाल पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि फिजिकल मार्केट में सरसों की जो मांग है लगातार बनी रही है और स्टॉक उतना है नहीं, जितना है किसानों के पास है वो भी होल्ड कर रखा है। ऐसे में आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से सोइंग भी लेट हुई है, अराइवल्स भी लेट है, ऐसे में आगे जाके अगर सरसों के वादे से बैन हटता है तो क्या कीमतें जहाँ से स्टॉप की गई थी, जहाँ से बैन लगा था, क्या वहीं से शुरू होती हुई नजर आ पाएंगी और फिजिकल में क्या रेट देखने को मिल पाएगा? जी मुझे लगता है कि क्राइसिस के बैन होने के बाद भी बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा है क्राइसिस पे, तो ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि जहाँ से बैन हुई थी वहीं से हो सकता है कि हम कंटिन्यू होता हुआ देखें, और ओवरऑल ऐसा लगता है कि अपसाइड में हम दोबारा 9,000 के दाम आने वाले 2 महीनों में देखने मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि करंट लेवल से करीबन 9 से 10 फीसदी की तेजी हमें मस्टर्ड में दिखाई दे सकती है आने वाले 2 महीनों। जी अमित जी, कुछ व्यूअर्स हैं हमारे साथ जिनका सवाल लगा था सीपीओ और रिफाइंड सोया तेल को लेकर आ रहा है, आपको क्या लगता है सीपीओ और रिफाइंड सोया तेल में अभी क्या करके चलना सही रहेगा, क्या फंडामेंटल्स हैं? जी मुझे लगता है सोयाबीन के साथ साथ सीपीओ और रिफाइंड सोया तेल भी कहीं ना कहीं बॉटमिंग आउट की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से जो मांग है वो दोबारा उभर के आने की पॉसिबिलिटी बनी हुई है। मुझे लगता है कि सीपीओ में 1150 का एक शॉर्ट टर्म टारगेट तो लिया जा सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर हम 1 से 1.5 महीने का व्यू लें तो लगभग 1210 के दाम दोबारा दिखाई देंगे। उसी प्रकार हम सोया रिफाइंड में देख पाएंगे कि 1780 के नीचे नहीं जा पा रही है, सॉरी 1180 के नीचे नहीं जा पा रही है, और अपसाइड में मुझे लगता है काफी जल्द हमें 1300 से 1320 के दाम देखने को मिलेंगे। तो दोनों में ही सोयाबीन के साथ साथ रिफाइंड सोयल और सीपीओ में मुझे तेजी के आसार दिखाई दे रहे हैं करंट लेवल से। जी अमित जी, जानना चाहेंगे आपकी तरफ से वो कौन से टॉपिक्स रहेंगे जो साल 2021 के अंत तक अच्छा मुनाफा कमा के चल सकते हैं? जी देखिए, मेरा मानना है कि धनिया में हमें तेजी दिखाई दे सकती है, सेकेंडली सोया ऑयल कॉम्प्लेक्स में जिस प्रकार अभी हमने बात की उसमें तेजी के आसार है, और साथ ही साथ ग्वार की दर ग्वार कम यानी ग्वार कॉम्प्लेक्स से भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अच्छी खासी करेक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं और इन तरह से मुझे लगता है कि दोबारा तेजी उभर के आ सकती है इन दोनों ही काउंटर्स में यानी ग्वार दर और ग्वार सीड दोनों में। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कृषि फसल बाजार का अपडेट कि शाम के कारोबारी सत्र में कौन सी कृषि फसल किस भाव पर कारोबार करती नजर आ रही है, क्या फंडामेंटल्स एनालिसिस कहते हैं और टेक्निकल एनालिसिस क्या कहती है, और उन पर हमारे एक्सपर्ट्स की क्या राय थी कि आगे जाके किस कम्युनिटी में कितनी मनी तेजी के साथ कारोबार देखने को मिल सकता है और मुनाफा किस में कमा के चला जा सकता है। फिलहाल बाजारों की चाल में अभी के लिए इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूँ ही बना हुआ है मार्केट एमसीवी पर।